छोड़कर मत जाना, पर हो सके तो कभी मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। आखिरकार मुझे ऐसा प्यार करने वाला कहाँ? केहू कहत रहे कि तहार वाली दो चार दिन से दिखत नहीं, केहू कहत रहे कि तहार वाली दो चार दिन से दिखत नहीं थे, तो हम कह दे जाए तो मर्दे कोनो दिक्कत नहीं थे। आजकल के प्यारे ऐसा ना कि ढेर दिन टिक, जैसे कि आपके सामने है, आप कुछ यहाँ से वॉइस भी डाल सकते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके। जैसे कि आप लोगों ने खुद देखा कि एक कार्टून कॉमेडी जो मैंने खुद ही बनाया है, मात्र एक मिनट मुझे लगा है, पूरा इंटरेस्टिंग जो कि स्क्रिप्ट होता है आप लोग खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, और काफ़ी आसान तरीका है। आप लोग इसमें जो मोमेंट डालना चाहते हैं वो मोमेंट जो आप बिल्कुल आसानी से डाल सकते हैं। ऐसा तरीका मैं आपको लेकर आया हूँ, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो अरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लाता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। इस एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे आप लोग क्रिएट ए स्टोरी दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट ए स्टोरी पे आपको सिंपल से क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा आपके सामने जो है इंटरफेस दिखाई देता है। इस इंटरफेस में आपको जो है वॉइस साउंड भी अपना जो है इफेक्ट डाल सकते हैं, पूरा इसमें काम जो है आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे जो आपको जो तीर वाला आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है बैकग्राउंड कोई भी ले लेना है, तो अब मैं यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग कोई भी बैकग्राउंड जो है यूज में ले सकते हैं। तो मैं जो है इस कार वाला बैकग्राउंड को जो है मैं यूज में लेने वाला हूँ। आप लोग कोई भी जो है यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। और यहाँ आपके आगे जस्ट जो है वीडियो को बड़ा करने के लिए प्लस का आइकन भी दिया हुआ है, आपको मैं डिटेल से मैं जो है समझाने वाला हूँ। तो आपको फिर से जो है तीर वाला आइकन पे जाना है, और यहाँ पे कैरेक्टर्स पे जाना है। कैरेक्टर्स पे जाने के बाद आपके सामने जो है काफ़ी सारा कैरेक्टर्स का जो है ऑप्शन आ जाता है। तो देन मैं इस वाला कैरेक्टर को जो है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इस मूव वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करके आप लोग जो है इसे मूव कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जो इसको लगा सकते हैं। उसके बाद इस पर आप क्लिक करिएगा तो इसका जो साइज़ भी आप लोग बढ़ा घटा से कर सकते हैं, और इसका जो है मुंडा जो है हिला भी सकते हैं इस तरीके से। हिलाने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करिएगा तो ये सेव हो जाएगा इस तरीके से। और इसमें जो एनिमेंट भी डाल सकते हैं, हंसने वाला और फ़ोन वाला अगर लगाना चाहते हैं तो, और चश्मे वाला यहाँ पर है जो कि काफ़ी यूज होता है इस तरीके का। और यहाँ पे ये भी है, जैसे कि मैं जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, सारा एनिमेंट इसमें दिया गया है। आप लोग जो है इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है ये, ठीक है। यूज करने के लिए इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन जो है कि दिया जाता है, आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से चलता हूँ, एक और मुझे कैरेक्टर जो है लेना है, तो इसको जो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँगा, और इसको जो है नीचा मैं मूव कर दूँगा, ठीक है। मूव थोड़ा सा मैं नीचा कर दूँगा, ठीक है। आप लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसके रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे वॉइस ओवर दिया हुआ है। उसके बाद देन मैं फिर से तीर पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पे फिर से कैरेक्टर पे जाना है, और एक आप जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद मूव करके जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ लगाइए, इस पर क्लिक कर दीजिए, इसका भी साइज़ जो है आप एडजस्ट करिए। उसके बाद मूव करके आप लोग जो है सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद एक माइक जो है यहाँ पर वो इस वाला कैरेक्टर का है, और ये वाला माइक जो है इस कैरेक्टर का है। आप इसमें बोलिएगा तो इसमें जो सुनाई देगा। तो सबसे पहले मैं आपको बनाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग जो ऐसे जेंस का जो कैरेक्टर को बोलवाना चाहते हैं, तो आपको जो इस पर क्लिक करना है, और आप जैसा बोलिएगा तो वैसा वो भी बोलेगा। और देन आपको जो है यहाँ से स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस जो रिकॉर्ड हो चुका है। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको लेडीज़ वाला कैरेक्टर को जो है बोलवाना है। तो आप इस वाले माइक पर जो है क्लिक करके यहाँ पर जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें भी जो है अपना वॉइस ओवर डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे इसको भी मैंने रोक दिया है। उसके बाद साउंड में जाकर आप लोग काफ़ी सारा साउंड जो है यहाँ से ले सकते हैं। लेने के बाद आप जो इसमें एडिटिंग में काफ़ी बेस्ट जो है बना सकते हैं। उसके बाद देन आपको जो है यहाँ पर मूव भी करा सकते हैं। इसको जहाँ पर आप मूव कराते हैं उसके बाद आप प्लस पर क्लिक करिए, ये जो है ऐड हो जाएगा एनिमेट। उसके बाद नया जो है कैरेक्टर आपके सामने जो दिखाई देगा इस तरीके से। कुछ आप लोग इसका जो चेहरा भी इस तरीके से जो मूव करा सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद जो है इसको जो है मैंने मूव करा दिया, ठीक है। उसके बाद स्माइल भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, सारा डिटेल्स इसमें जो दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग अगर कैमरा का जून इन जून आउट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है सिंपल तरीके से जो आपको कोई भी जो है यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद देन आपको जो जून की तरह यहाँ पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे बोलिएगा कुछ भी, तो वो जो सेम रिकॉर्डिंग होगा और वहाँ से उसी तरह से बोलेगा। इस तरह से लगेगा जैसे कैमरा के एंगल जो है मूव किया है इस तरीका से। तो
काफ़ी आसान तरीके आप इसमें काफ़ी वीआईपी से वीआईपी बना सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने जो आपको दिखाया उतना ही काफ़ी है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं आपको बता दूँ, तो इसलिए आप लोग एक्सपर्ट कैसे करना है मैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक्सपोर्ट आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आसानी से जो है यहाँ पे लॉगिन करना है, उसके बाद आप लोग इसे जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे गैलरी में। आई होप कि छोटी सी वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं तब तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तो जय हिंद वंदे मातरम।